दोस्तों सामने में टाइगर दिख गया है, ये देखिए अभी है काफी। फिर वही जो बताते हैं कि कॉल हुई है और यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ से हम होते हुए हम लोग ये आमडंडा एरिया में हैं और रोड के वन तो ये देखिए, एक मुझे ट्रक बड़ा शानदार लगा, देखिए यहाँ पर क्या बात है। तो ये रिश्ते दिखा रहा है तो ढूंढने में लगे देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अनमोल और मैं पैदल पैदल मालोड को जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथी हमें मालोड में मिलने वाले हैं जी। तो बढ़िया सा धूप बड़ी अच्छी हो रही है ना अनमोल, कैसा लग रहा है अभी मालोड में चलना आपको? मैंने कपड़े थोड़ा ज्यादा पहन रखे कपड़े इन्होंने थोड़े ज्यादा पहने हैं तो धूप ज्यादा तेज लग रही है दोस्तों अभी, लेकिन बड़ा मजा ऐसा आ रहा है। चलिए हम लोग मालोड में चलते हैं और बाकी साथियों से भी मिलाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों हमारी ये टीम आ गई है, तो कमलदा कैसे हैं? तो आप ही हमें लेके जा रहे हो हर बार की तरह तो कैसे है दादा? एक नई उम्मीद के साथ अनमोल आज अमित हम फिर से वहीं कॉलोनी की तरफ पे जा रहे हैं। आप उम्मीद करते हैं कि वहाँ कुछ बाघ दिखे हैं, जैसे वो लोग कहते हैं कि हमारे पास बाघ हैं। हाँ हाँ। हम भी कई बार गए बाघ उनके बाघ देखने, लेकिन हमें दिखे नहीं। हाँ। एक तो खतरनाक इवेंट्स के अलावा वो जो मैंने कवर करा है उसके अलावा मैंने वहाँ टाइगर्स नहीं देखे आसानी से, पर्यटन के रूप में तो बिल्कुल नहीं देखे हैं। तो इस बार फिर आप लोगों के साथ जाकर के देखते हैं, आप लोगों के लक से मुझे दिखता है कि नहीं। नहीं मतलब हमारा भी लक खराब ही है दादा, तो कितनी उम्मीदें कर रहे हैं कि क्या दिखने वाला है हमें? देखिए क्या होता है, है? तो उम्मीद तो है ना? उम्मीद है बिल्कुल बिल्कुल। और रवि भाई कितनी उम्मीद कर रहे हो? पूरी उम्मीद है, पिछली बार हम गए थे तनगढ़ी। हाँ अच्छा, हमने वहाँ देखे थे रायनो। अरे वाह, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो सही है, हम लोग साथ में थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल साथ में। दादा आप बताओ कितनी उम्मीदें कर रहे हो? उम्मीद तो पूरी है 99%, बाकी देखी जाएगी, बाकी देखिए। चलो चलते हैं, सफर स्टार्ट पे छोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सफर स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी गाड़ी, तो हम लोग पहुंच गए हैं राम कालाडुंगी। ये देखिए कालाडुंगी में एंटर कर लिया है, अब निकल रहे हैं रामनगर की तरफ। तो अभी थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए यहाँ पर रुके हैं। तो हम लोग पहुंच गए रामनगर में जी, रामनगर पहुंच गए। रामनगर में दोस्तों अभी क्या समय हो रहा है? 12:30 हो रहा है और 12। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ गर्म हो रहा है, ज़्यादा गर्म है। हमारे मोटे कपड़े थे वो सच चुके हैं, कपड़े हम लोग टी शर्ट में आ गए, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह का है, अब तो देखते हैं हम लोग आगे का क्या प्लान बनता है ना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं जंगल लोअर रिसोर्ट में। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं कहाँ? वाटरफॉल झरने के पास। झरने के पास नहीं जाने वाले मेरे भाई, हम जाने वाले सफारी में। वो क्या सफारी में जाएंगे? झरने के यहाँ पर बिजरानी में हम लोग जाने, झरना जाने वाले हैं, झरना। तो ये देखिए, एक मुझे ट्रक बड़ा शानदार लगा, देखिए यहाँ पर क्या बात है। तो ये रिसोर्ट बड़ा खूबसूरत है दोस्तों, जंगल लोअर इसका नाम है। तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं, और देखिए कितना बढ़िया खुला खुला सा है। आज रात भी हम यहीं रुकने वाले हैं, तभी थोड़ी देर में हमारी गाड़ी आ जाएगी, फिर हम लोग चलेंगे सफारी में। दोस्तों जंगल के बीच में बहुत ही खूबसूरत ये रिसोर्ट है, तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर रह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा। तो ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं इसकी, जंगल लोअर रामनगर कॉर्बेट करके देख सकते हैं, कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर देखिए। तो साथी हमारे यहाँ पर बैठ गए हैं, आराम कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों हम लोग घूमते हुए थोड़ा सा इधर आ गए हैं इसी में, देखिए रिसोर्ट में बहुत ही सुंदर है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा कमलदा जानकारी देंगे इसके बारे में। दादा हम किस जगह पर हैं अभी, थोड़ा बताइए। हम लोग ये आमडंडा एरिया में हैं और रोड के 121 नेशनल हाईवे है जो दिल्ली पौड़ी रोड है, उसके उस साइड कॉर्बेट है, CTR एरिया, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एरिया, और इधर की साइड राजस्व क्षेत्र या फॉरेस्ट एरिया है। हम इस समय फॉरेस्ट एरिया के एक लीज में दिए गए रिजॉर्ट में हैं, जंगल लोअर इसका नाम है। यहाँ से रिवर की साइड को भी हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल, यहाँ जानवर पानी वानी पीने आते हैं। जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ भी शाम को आपको हिरन वगैरह दिखेंगे आराम से आसानी से, और इसके ठीक पीछे ये कॉटेजेस वगैरह बने हैं रिजॉर्ट में, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं और आप आराम से यहाँ रह भी सकते हैं। तो ये देखने के लिए इस जगह के मुझे व्यक्तिगत रूप से तो बहुत ही सुंदर लगता है, और इतनी शांति और जानवरों को दीदार भी यहाँ आसानी से हो जाते हैं। दूसरा स्टाफ बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया बात यहाँ है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप घर में हो, और बिल्कुल सब सामान्य रूप से सारे जानवर भी दिख जाएंगे आपको। तो चलिए बाकी साथियों से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, थोड़ा बताइए इस जगह पे और ये व्यू देख के। ये
जी अमित भाई, ये जो जंगल के अंदर का फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब कि रुके तो बहुत बार हैं, बट वहाँ से विजिट करने के लिए जाते थे। बट एग्जैक्ट आप जंगल के अंदर एक रिजॉर्ट बना हुआ है, आप उसमें रह रहे हैं, बिल्कुल नदी बह रही है, बिल्कुल इतनी सुंदर नदी, वाकई में बहुत ही सुंदर। तो हम लोग जब, दादा आप बताओ कि जब झरना जा रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं झरना के लिए आप? हम तो चाह रहे हैं कि हमको टाइगर दिखे, हम तो इस रूप में आए हैं ज्यादातर। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ी देर में हमारी सफारी आने वाली है और फिर हम लोग जाएंगे झरना की तरफ, है ना। तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर व्यू है, और अगर यहाँ पर से आप खड़ो के देखेंगे तो कहीं हो सकता है कि आपको कभी हाथी या फिर बाघ आराम से दिख जाए। और देखिए कितना सुंदर जंगल है ये। तो ये है रामनगर की बाजार, और बाजार से हम लोग इस तरफ जा रहे हैं। देखिए ये देखिए, और यहाँ से हम होते हुए अभी झरना की तरफ जाएंगे। गेट में हमने एंटर कर लिया है और हम लोग अभी ढला रेंज में हैं, उसका झरना की तरफ जाएंगे, है ना। तो कितने एक्साइटेड हैं कमलदा, कितनी उम्मीद है? तो हुआ ही हमेशा ही है यहाँ, तो सारे साइटिंग वगैरह का भी बहुत चांसेस हैं, और एलिफेंट साइटिंग भी है यहाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि आज हमें दिखी जाए, दिखी जाए, है ना। और बोल आप कितने एक्साइटेड हैं? पहली बार कॉर्बेट नेशनल पार्क में आए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके लक्ष्य हमें भी दिख जाए, है ना। मैं दो बार पहले भी आया, तो मुझे तो नहीं दिखा, है ना रवि भाई। तो आप भी मेरे ख्याल से पहली बार ही आ रहे हो, है। और दादा आप? हम भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यार। आपका तो ससुराल है यार, आपको तो ना आते हैं पर इस साइड को नहीं आया, इस साइड को नहीं आया। अच्छा, नहीं नहीं भाई, जरूरत पड़ जाता है। तो जंगल के अंदर अभी हमें काफी देर हो गई है, फिलहाल अभी तक कुछ भी नहीं दिखा है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं अंदर और खाना खाएंगे पहले। तो लंच कर लिया हम लोगों ने, और हमारे सभी साथी यहाँ पर हैं। अब इसके बाद निकलेंगे हम लोग सवारी के लिए फिर से। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, यहाँ पर टाइगर की कॉल हुई है, तो कुछ गाड़ियाँ और खड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो भाई साहब अभी सवर कितना है, अभी है काफ़ी? फिर वही जब बताते हैं कि कॉल हुई है और यहाँ पर इंतज़ार करो, तो हम वो इंतज़ार ही कर रहे हैं, और बेसब्री से इंतज़ार ही कर रहे हैं कि अगर हमारे को दिख जाएगा। देखते हैं, अनमोल भाई तो फोटो खींच रहे हैं। चलो वेरी गुड। रवि भाई क्या कहना चाहोगे, कहाँ गए भाई? इंतजार चल रहा है बस, अभी आवाज इंतजार चल रहा है, आवाज हल्की हल्की करो। चलिए तो इंतजार करते हैं हम लोग। रवि भाई यहाँ कैमरा में लेके खड़े हैं, इंतजार हो रहा है यहाँ पर भाई साहब, है ना सभी। और इस तरफ देखें तो कितना सुंदर ये पार्क है, आप देख सकते हैं इस जगह पे कॉल भी है। तो यहाँ पर इंतजार हो रहा है, देखते हैं। हाँ, ये देखिए वल्चर उड़ रहा है वहाँ पर, इजिप्शियन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर। दोस्तों हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, और वहाँ तो हमें दिखा नहीं, तो थोड़ा सा इस तरफ आ गए हैं। अभी समय हुआ है 4:15 बजे, हमारे गाइड साहब हैं यहाँ पर। तो भाई साहब अभी कितनी उम्मीद लग रही है? देखते हैं, आप पंजे लगे थे सुबह ऊपर जाने के, ऊपर तो हो सकता है नीचे उतर जाए पानी के पास, टाइम हो रहा है। तो हम चलिए, तो हम इंतज़ार करते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमारी किस्मत हमें दिखाती है। तो दोस्तों काफ़ी देर और हो गई है, हम दूसरी जगह भी आ गए हैं, और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं, कुछ कॉल भी है शायद, देखते हैं कैसा होता है। तो शाम के 4:30 बज चुके हैं, और अभी भी हम लोग घूम रहे हैं, अभी तक फिलहाल कुछ नहीं दिखा है हमें, तो ढूंढने में लगे देखते हैं क्या होता है। तो शाम के हो गए हैं 5:30, और हम लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमें 2-4 चिड़ियों के अलावा और थोड़े बहुत जानवरों के अलावा अभी कुछ ज़्यादा दिखानी है, ज़्यादा जोर से यहाँ पर बोल नहीं पाऊँगा। पीछे भाई लोग भी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, चेहरा देख के आप समझ सकते हैं इनका। रुकते हैं फिर थोड़ी देर और। तो दोस्तों सामने में टाइगर दिख गया है, ये देखिए, ये देखिए, तभी तो चलेगा आउट के वो। ये देखिए दोस्तों, तो सामने की तरफ यहाँ पर टाइगर बैठा है, और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर, ये देखिए बहुत सारे लोग इसको निहार रहे हैं सामने से। हालांकि बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर आप लोग ये देखेंगे तो ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए मूवमेंट, वो देखिए सामने की तरफ पानी में बैठा हुआ, उड़िया। तो वापस हम दोस्तों रिसोर्ट में आ गए हैं, और चलिए दोस्तों से ही पूछते हैं कि कैसा रहा अनुभव यार आज का, बताओ। आज बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, और हम लोग झरना जो जोन में गए थे वहाँ हमारे को पूरा समय अलग अलग जानवर दिखे, और लास्ट में हमारे को जो टाइगर ने दर्शन दिए हैं उसने आनंद कर दिया। और हमारे को वाटर होल में, एक वाटर होल था उसमें टाइगर दिखा, उससे बहुत सुंदर हमारा पूरा ट्रिप हो गया है, और बाकी लोग भी बहुत खुश होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी खुश होंगे, फर्स्ट टाइम कहते हैं, आके कहते हैं
टायर दिखना कहते मेरे लिए तो बहुत, कहते मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, काफी लोग कहते हैं कितने बार राउंड लगा देते हैं इनको दिखता नहीं है टाइगर, काफी जानवर दिखे। वेरी गुड, बहुत चलो तो बड़ा एक्साइटेड है भाई। तो रवि भाई आप क्या कहना चाहेंगे भाई, कहाँ गए आप रवि भाई, इधर आ जाओ यार। तो कैसा लगा भाई आपको? चलो आज हमने देख लिया है एक टाइगर, हमें दिखा भी बहुत शाम को दिखा। हाँ। और बहुत देर इंतजार करना पड़ा, छुपा था वहीं पर, लेकिन लास्ट में आया हमारे सामने, लास्ट में मिली गया है। मिली गया। तो निसार भाई कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, एंडिंग बहुत अच्छी रही। हाँ। टाइगर देख के बहुत बढ़िया मजा आया। थैंक यू। तो और भाई साहब हमें, यार भाई साहब हम भी आ गए हैं। बताइए कैसा अनुभव रहा? बढ़िया रहा, मजा आया। बहुत लंबे टाइम बाद आफ्टर 20 इयर्स मैंने टाइगर देखा है। अरे बाप रे, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये देखिए हरुण भाई और बब्बू भाई की मेहरबानी से आज हमें टाइगर के दर्शन हो पाए, और बहुत बढ़िया आज का सफर बड़ा अच्छा रहा, साथ आप लोगों का बड़ा बढ़िया रहा, और उम्मीद करते हैं कि कल आने वाले दिन में भी हम लोग है ना बढ़िया सा देख पाएंगे। तो अभी इस वीडियो को दोस्तों एंड करता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।